एक दूजे के वास्ते। वाओ, तुझे स्कूटर मिला है, ऑसम यार। पर फिर तू इस बोरिंग बस में क्यों आई है? आई मीन, मुझे स्कूटर मिला होता तो मैं तो इसी साथ, और तेरे बहाने हम भी तो घूमते। यार मैं भी इसे यही बोल रही थी, पता नहीं इस बोरिंग सी बस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। स्कूटर अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट हमारी स्कूल बस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बस के अपने फायदे हैं, स्कूल बस इज मच सेफर। पीछा करने वाले फालतू लोगों से बच सकते हैं, बारिशों का भी कोई डर नहीं, और भी कई फायदे हैं। तेरी बाइक के पीछे बैठो या ना बैठो, उसकी बाइक के पीछे तो जरूर बैठूंगी। देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। क्या हुआ जी? आपका भाई। मैं तो अभी आई, पर कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? आओ जी, सब चंगा है। अब मैं देखती हूँ, आप चाय पियो। हम जी कर्नल साहब आए हैं। सब आए? हाँ। साहब आप यहाँ अचानक? कर्नल नहीं, दोस्त आए। और दोस्त अचानक आने का हक रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए ना, वेलकम, आइए प्लीज प्लीज, आप ही का घर है। ये बड़ी सिस्टम ने तो क्लास की सीटिंग तक बदल दी। मैं कम इन मैम। यस कम इन। अपने बड़ीज के साथ जाके बैठ जाइए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी पड़ेगा। गॉड, और कितना बुरा होना है मेरे साथ। चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। लिसन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे बाहर बैठने की आदत है। चुपचाप अंदर चलो, मैम देख रही है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ। मैं नहीं जा रहा, मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है, तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी, तुम जाओ। बस इतनी सी बात? मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए, चलो। प्लीज सेटल डाउन, टॉस कर लेते हैं। डील्स मेरा। तुम्हें सीट पे बैठना है या बाहर भेजूं? जाओ अंदर। दूर होके बैठो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कर रहे हो? सीधा होके बैठो। भाभी जी के हाथ की लस्सी की इतनी तारीफ सुनी है कि चांस मिस नहीं करना चाह रहा।
हाय सच्ची, बस अभी लेके आती हूँ। देवराज, कल मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने वही किया जो सही था। अपनी कमांड में मैं एक लॉयल कमांडिंग ऑफिसर हूं, पहले देश, फिर कमांड, फिर अपनी जान। ये लाइन हमारे लिए सिर्फ एक जोश से भरी हुई लाइन नहीं है, हमारे लिए जीने का, बिहेव करने का मंत्र है। देवराज, एज एन आर्मी ऑफिसर तुम मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना। मैं वहां ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने को भी तैयार है। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं, लेकिन मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना। मैं अपने दोस्ती और अपने काम को मिक्स नहीं करूंगा, और आगे से इस दोस्ती का अपमान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे लिए आपका दोस्त कहलाना बहुत गर्व की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी किसी दिन गर्व से ये कह सकें कि देवराज आपका दोस्त है। फिर कभी नहीं, मुझे आज भी ये दोस्ती पर नाज है देवराज। थैंक यू। आपकी लस्सी आ गई। थैंक यू। मैम ने येलो साड़ी में ब्लू ब्लाउज पहन के 6 out of 10 स्कोर किया। तुझे नहीं लगता अगर इसी येलो साड़ी में गोल्डन ब्लाउज पहनती तो कमाल लगती यार, 10 out of 10। By God, तुम इडियट के साथ साथ चीप और वल्गर भी हो। ओ हेलो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना वल्गर कब से हो गया? समझा, तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी क्वालिटीज है और ना ही कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है। तुम्हें तो वल्गर लगेगा ही। क्या वल्गर लग रहा है तुम दोनों को? मैम, वो सुमन कह रही है कि आपने येलो साड़ी पे ब्लू ब्लाउज पहन के 6 out of 10 स्कोर किया है ना, और ये भी कह रही है कि अगर आप गोल्डन ब्लाउज पहनती ना तो 10 out of 10 मिलते। Well, सुमन, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की को टीचर की ड्रेसिंग सेंस में इतना इंटरेस्ट होगा। वैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई और परेड पे ध्यान देना चाहिए, परेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सिट डाउन। ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं परेड में देखती हूँ। मैं तो डर गया। अरे विजय, दोस्ती इतनी प्यारी होगी कि घर वालों को भूल गए? नमस्कार सर, इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। बैठिए सर। आओ बैठो। कम बैठिए भाभी जी। आओ जी प्लीज। संजय ने बताया? संजय ने नहीं, आपकी गाड़ी ने। ओह, वेरी स्मार्ट। अरे भाई, इसके घर के बाहर खड़ी देखी मैंने, जानी पहचानी लगी। तो मैंने सोचा कि अपनी यूनिट के साथ अटैक कर देता हूँ। ये सही है। वैसे मेरा आज आने का कोई प्रोग्राम नहीं था घर पे। ना, मैं तो स्पेशली देवराज से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा एक एक ड्रिंक्स के साथ कुछ बातें हो जाएंगी। ये ड्रिंक, ये तो सिविलियन वाला, आई मीन अलग सा लग रहा है। अब पापा, मैं ड्यूटी आवर्स में हार्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता हूँ ना? अरे भाई, मैं तो ले सकता हूँ। मेरे ड्यूटी आवर्स सालों पहले खत्म हो चुके हैं। क्यों देवराज? बिल्कुल। कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर। आप सोडा मिलेंगे या पानी में?
Well, soda. अच्छा. मैं ग्लास लेकर आया. लाइए. मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं अंकल? नहीं नहीं, आप लोग बात करिए, मैं बना लूंगा. ठीक है. कम अंकल, आप ड्रिंक नहीं ले रहे हैं? मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है. Actually, it's very specific. ठीक है, तो मैं वोडका ले आता हूँ ना. अरे ले आप. Excuse me. यार ये वोडका की बॉटल कहाँ रखती है? ये तो कमाल है ना जी, मतलब विस्की का ग्लास नहीं मिला तो ड्रिंक ही बदल दी. विस्की के ग्लास में पीने से ज्यादा चढ़ेगी क्या रे? मुझे तो ना ये समझ नहीं आता, इतने नखरों के साथ में कैसे रहती होंगी इनकी वाइफ्स. ओ जी, हमारे घर पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा काम है इन्हें खुश रखना. हाजी आइए. हाय रब्बा, कैसे लोगों के बीच भेज दिया मेरा बच्चा. एक दो दिन में ना उसने सपने में भी परेड देखनी है. आप में से कई लोगों का आज पहला दिन है, इसलिए आज हम सिर्फ वार्म अप करेंगे. मैं जानती हूँ कि सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए सेशन आसान नहीं होगा, बट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. और जिसे लगता है उससे ये सब नहीं हो पाएगा, वो मुझसे कह दे, मैं सौ को बता दूंगी. बड़ी मेहरबानी की ब्रिगेडियर सुमो ने. तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत आसान है? आसान तो नहीं, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं. हो जाएगा. अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती श्रवण. ओवर कॉन्फिडेंस ये तुम्हारे लिए होगा, मैं इसे हिम्मत कहता हूं. ठीक है, तो फिर ट्राई कर लेते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या हिम्मत. अपने हिसाब से तीन लोगों को सिलेक्ट करो. ओके. वेद, मयंक और शुभम. बाकी सब भी चार चार लोगों के ग्रुप्स बना लो. और अब सभी लोग इस ग्राउंड के 6 राउंड लगाएंगे. बस आज के लिए इतना ही. 6 राउंड. क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे रही है? नहीं हो पा रहा तो बता दो, मैं सर से कह दूंगी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है. बहाना ढूंढा जा रहे हम सिविलियंस को हटाने का. भाई लोग, हम डर के नहीं, करके दिखाएंगे. श्रवण, 6
छेड़ान मारूंगा तो मर जाऊंगा भाई, बचा ले। अरे बकवास बंद कर, मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ और तुझे अपनी तकलीफ की लगी है? चुप कर, भाग और मुझे भागने दे। मुझे मजा आएगा, इसे तुम प्ले में देख लूंगा। ये ले तुम्हारी स्क्रिप्ट। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? जब आंखों के सामने लाइट्स चमकती है ना तो डर के मारे गला सूख जाता है। मैंने तो अच्छे अच्छों को चक्कर खाते हुए भी देखा है। तुम ना 15 मिनट में रट्टा मार लो, मैं अभी ऑडियंस इकट्ठा करके आता हूँ, ठीक है? आफ्टरऑल मेरी बड़ी का पहला एक्टिंग डेब्यू है यार। मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। ओ, ढूंढ गए तू? तेरा बड़ी कहाँ है? तुझे सबको नाम देने का बहुत शौक है क्या? हाँ। अच्छा वो सब छोड़, तेरा बड़ी कहाँ है? सुबह से मिला नहीं, लेकिन मिलेगा ना तुम्हें से। ओए, उसके बारे में ऐसा कुछ सोचियो भी मत, समझा? नहीं समझा? बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बाय। साहिब, क्या हो तुझे? भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर उस अनीश की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहाना बनाकर डॉक्टर से ग्लूकोज चढ़वा रहा हूँ। डरपोक कहीं के? अच्छा तू ये सब छोड़, मेरे साथ चल, आजा। क्यों? क्योंकि आज बड़ा मजा आने वाला है, ब्रिगेडियर सुमो एक्टिंग करने वाली है। क्या बात कर रहे हैं, सुमन और एक्टिंग उससे होगी भी नहीं? तभी तो मजा आएगा, चल जल्दी। और भी लोगों से ऑडिटोरियम भरना है सुमन की परफॉर्मेंस के लिए। पर तू उसके चक्कर में अपना प्ले क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ प्ले में मेडल जीतना नहीं है, मैं तो इन आर्मी वालों को हारते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हार का मतलब क्या होता है। बहुत पार्शियलिटी कर ली ना इन लोगों ने, अब हर चीज में बराबरी होगी। तू चल, आजा, चल छोड़, चल। देव, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे लिए युद्ध पे जाना इतना जरूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? जाओ देव, जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम निश्चिंत होके जाओ, और चाहे तुम धरती के किसी भी हिस्से में हो, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, तुम्हें लौट के मेरे पास वापस आना है, और दूसरी, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसने तो पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए।
श्रवण, श्रवण भाई, अब तो मुंह बंद कर, सब तुझे ही देख रहे हैं। जा मालिन मैम तुझे बुला रही है। श्रवण यहाँ आओ। तुम्हें तो इतना बढ़िया पार्टनर मिल गया है प्ले में। आई एम श्योर इस बार कुछ मेमोरेबल होने वाला है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तुम दोनों से, लेकिन रिहर्सल्स डेली होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाहर चले? हाँ। फर्स्ट टाइम था मेरा। सब ठीक से हुआ ना? ठीक था। मेरे साथ रिहर्सल करोगी तो काफी बेटर होगा तुम्हारा आगे। आई एम श्योर। पता है शुरू में मैं बहुत नर्वस हो रही थी, फिर मुझे लगा कि यार मेरे बड़ी का इवेंट है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैंने क्या किया? अरे मुझे सब पता है, तुमने मुझे मोटिवेट करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है ना? जो क्या तुमने किया? तुम इतने हम्बल होगे, मुझे ये नहीं पता था। आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो इट्स ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.